हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह एक बार फिर आप सबके साथ अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसेट 50 डेज मैराथन, जहां पर हम लोग अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को करेंगे, सीसेट के कोर्स को करेंगे इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। सारे चैप्टर्स को करवाया जा रहा है, एवरी संडे हमारा लाइव डाउट सेशन हो रहा है। सम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उनके जितने भी डाउट्स होते हैं वो हम संडे को बैठ के सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द वे वी आर वर्किंग। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में बताएं कि यस देयर इज वन कोर्स गोइंग, जहां पर आप पूरे सीसेट को कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ये नहीं कि सिलेक्टेड सम्स, मैं सारे सम्स को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं मेजोरिटी करवा रहा हूँ, कुछ आपको दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आपकी चीजें सॉल्व हो रही है, राइट? आइए, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैक्सिमम चांस इस टॉपिक से एक सम्स का है, तो ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना। मैं जो सिलेक्टेड 7-8-10 सम्स करवा रहा हूँ, उतना करने से आपका काम हो जाना चाहिए, राइट? तो चलिए मैं चीजों को पहले समझ लेता हूं, बेसिक से आगे बढ़ेंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर रेट पे इतने टाइम पे कितना रुपया दिया, 100 से इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि रेट इज जनरली इन परसेंटेज, तो उसको हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। हम एकदम बनिया हिसाब में बात करें कि मान लो अगर हम आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं 10% के ब्याज पे, तो एक साल में आप हमको कितना दोगे? तो 10,000 का 10% होता है 1,000, तो एक साल में दोगे 1,000। मैं पूछू 5 साल में कितना दोगे, तो एक साल का 1,000, 5 साल का 5,000, पक्की बात। तो मैंने क्या देखा, प्रिंसिपल रेट टाइम, लॉजिक समझ में आता। बट मैं ये हमेशा सिखाता हूं कि आप एक साल के कंसेप्ट को भी समझिए, मतलब को समझिए, राइट? तो ये हमारा बेसिक लॉजिक था सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है फॉर एवरी ईयर। एवरी ईयर द इंटरेस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, आपका इंटरेस्ट में कोई चेंज कभी नहीं आने वाला, ठीक है? ओके, नाउ अगर हम इसमें बात करें कि अमाउंट क्या होगा, आप रिटर्न क्या दोगे, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो मूल पैसा है, मतलब जो प्रिंसिपल है वो, और जो ब्याज है वो, यानी मूल और ब्याज दोनों मिलाकर आप उसे रिटर्न दोगे। तो अमाउंट इज व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोगे या लोगे, अगर आपने किसी को दिया तो आपको मिलेगा, परफेक्ट है बात, ओके। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में का फॉर्मूला होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पक्की बात। जब हमें पता है कि इंटरेस्ट ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 n। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा p, यानी a के जगह पे रख रहा हूं p, 1 + r/100 n, ये a के जगह पर मैंने प्लेस किया, माइनस p, और p अगर हम ब्रैकेट ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, P को अगर कॉमन ले तो 1 + r/100 n - 1। लेकिन बेटा मैं ये चेष्टा करूंगा कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना ही करें, हम ये कोशिश करेंगे। देखो, कभी भी इन जनरल कोई बेवकूफ होगा या ऐसा बहुत एक्सेप्शनल होता है जो आपसे इस तरीके के फॉर्मूले पे सवाल पूछा जाता, क्योंकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल 5 साल में कितना ब्याज देगा, तो मजबूर है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर 1 साल 2 साल 3 साल तक भी देता है तो हम अपने चीज को इजी कर सकते हैं,
ठीक है, अभी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम ये कहें कि अब मैं तुमको थोड़ा कंपैरिजन बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने क्या देखा, सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो होता है वो इंक्रीजेस एवरी ईयर, इंक्रीजेस एवरी ईयर। क्या इस बात से आप अग्री करते हो? पक्की बात है। अब आप इस लॉजिक को समझिएगा, मैं इस कंपैरिजन को समझाने के लिए आपको डेटा दिखाता हूं कि क्या डिफरेंसेस आते हैं दोनों के बीच में। मान लो प्रिंसिपल है तुम्हारा 10,000, रेट है तुम्हारा 10%, और टाइम मैं मान लो 2 साल या 3 साल के लिए कर दूंगा। चलो 3 साल के लिए करता हूं, या पहले मैं एक काम करता हूं, पहले आपको 2 साल क्लियर करता हूं, फिर तीसरे साल पे बात करूं। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की, मान लो ये ईयर वन ऐसे मैं बनाता हूं, ईयर टू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो हमें ये पता है कि 10,000 रुपया 10% के रेट पे हर साल का 1,000 देगा, और सिंपल इंटरेस्ट अगर पहला साल 1,000 मिला तो दूसरे साल भी 1,000 मिलेगा। परफेक्ट बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 1,000 मिलता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। बट अभी पहले साल तो आपने कोई इंटरेस्ट कमाया ही नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 है, तो 10,000 पे आप 10% कमा लिए। दूसरे साल पे आपके पास 10,000 भी है और पिछले साल का कमाया हुआ 1,000 रुपए का इंटरेस्ट भी है। बट ईयर वन में जो आप 1,000 ब्याज कमाए वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे कमाए, क्योंकि उसके पहले आपके पास कोई इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड नहीं था। तो सेकेंड ईयर में आप 1,000 रुपया तो कमाएंगे, उसके साथ आप 100 रुपया और कमाएंगे। क्या इस बात से आप अग्री करते हो? कैसे हुआ? अब आप चीजों को समझिएगा। देखिए, ऐसे तो हम ये जानते हैं कि मान लो प्रिंसिपल 10,000 है, तो पहला साल 1,000 रुपया, दूसरे साल अभी वो प्रिंसिपल बन गया 10,000 प्लस 1,000, 11,000, 11,000 का 10%, 1,100, सर आ ही रहा आपका भी 1,100, आपका भी 1,100 आ रहा है। बट हमने ये ट्रेडिशनल तरीके का इस्तेमाल नहीं किया, हम तुमको इसका तोड़ बता रहे हैं। लॉजिक क्या है, इस 1,100 को हम दो हिस्से में बांटे, एक प्रिंसिपल पे कमाया गया इंटरेस्ट दैट इज 1,000, और एक इंटरेस्ट पे कमाया गया इंटरेस्ट दैट इज 100। कोई दिक्कत? अभी 10,000 पे 10%, 1,000 तो हम कमाएंगे, और हम ब्याज के ऊपर ब्याज कमाएंगे, तो इस 1,000 रुपया पे 10% अगर हम कमाते हैं तो ये 100 रुपया होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इस केस में अब ध्यान से दोनों चीजों को प्रॉपर देखिएगा। एक सेकेंड, मैं कलर थोड़ा चेंज करके आपको दिखाता हूं। यहां पे आप सिर्फ प्रिंसिपल पे कमाए 1,000, यहां भी प्रिंसिपल पे कमाए 1,000, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कभी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देता। कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल आप खाली प्रिंसिपल पे कमाए 1,000, दूसरे साल आप प्रिंसिपल पे कमाए 1,000, और इंटरेस्ट के भी ऊपर भी इंटरेस्ट कमाए दैट इज 100। क्या इस बात से अब आप अग्री करते हो? ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्या, ये ब्याज भी आपको फर्दर ब्याज कमा के देगा, तो 1,000 का 10% होता है 100 रुपया। क्लियर बात? अब आप मेरे को ये बताइए, 2 साल में आप कितना कमाए? 2,000। ये 2 साल में कितना हुआ? 2,100। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो कितने रुपए का हुआ? डिफरेंस कितने का हुआ? 100 रुपए का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिफरेंस है, दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट? यस और नो? क्योंकि प्रिंसिपल तो चारों जगह पर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एसआई के केस में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सीआई के केस में सेम है, सिर्फ आपको एड ऑन क्या मिला, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला, ब्याज के ऊपर ब्याज, और वो ब्याज के ऊपर ब्याज जो है उसी को तो हम डिफरेंस कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें फॉर्मूला लगाकर निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम ईयर 3 पे जाए,
किस पे जाए, ईयर थ्री पे। तो इस हजार का हजार कमाएंगे ही कमाएंगे, हजार तो हजार में ही रहेगा, यस और नो? अब बताओ तुम्हारे पास, ध्यान से देखना, प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था 10,000, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, इलस्ट्रेटिव वे में समझा रहा हूं। प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था 10,000, पहले साल आप कमाए 1,000, कितना हो गया 11,000, पक्की बात। फिर आप कितना इंटरेस्ट कमाए, इसका 10%, कितना हो गया 1100, पक्का बात। कितना हो गया 12,100। फिर आप इंटरेस्ट कमाए कितना 1210, क्या इस बात से आप अग्री करते हैं? जी सर। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर कैसे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करूंगा, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर रहा हूं। चीजों को थोड़ा ध्यान देखिएगा, हजार तो आपको हर साल मिलने वाला है, पक्का बात। इस हजार पे आप कमाए कितना 100, अब ये 100 आपको वापस मिलेगा, मिलेगा क्या, पक्का है तो, श्योर है तो, ठीक है। अभी ये 100 रुपया जो आप एक बार कमा लिए वो आपको वापस मिलेगा, मिलेगा। लेकिन ईयर टू में आपके पास जो ये 1100 हुआ था, इसका भी तो 10% आपको और मिलेगा, दैट इज 110, कितना हो गया 1210। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? जो पिछला था वो मिलेगा, जो पहले मिला वो बाद में भी मिलेगा, लेकिन जो पहले एक्स्ट्रा मिल रहा है ब्याज, उसका भी मिलेगा। आइए ईयर फोर देखते हैं। ईयर फोर की बात करें तो सर आपको पता है ये हजार आएगा, 100 आएगा, 110 आएगा, आना ही है। जो पहले मिला वो वापस मिलेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, इस 1210 पे 10%, दैट इज 121, कितना हुआ जल्दी बताओ, 2 और 1 3 3 1331, और ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? हजार जो था वो हजार रह गया, ब्याज के ऊपर ब्याज कमाए। ये अभी 1100 दिखा रहा है, 1100 लिख दिया, अब इसे 1100 के ऊपर फिर ब्याज कमाए, फिर ये जैसे था वैसे लिख दिए, लेकिन जो आप कमाए हैं उस पे वापस एक ब्याज कमाएंगे। दिस इज द लॉजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बेस है इसका। अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आप इलाबोरेट करके समझ सकते हैं कि क्या है उसके अंदर में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का है ना? जी सर। ओके, अब आप मेरे को एक बात बताओ, चलो सम्स पे चलते हैं, क्वेश्चन को देखो। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 480,000 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 2% पर एनम? बड़ा आसानी से देखना है अपने, पहले मैं तुमको कंसेप्ट बताऊंगा, जैसा हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर SI CI। तो 480,000 का 2% कितना होगा, तो 2 जीरो हटा दो तो 1% होगा 4800, 2% होगा 9600, पक्का बात है। सर ये 9600 यहां जो आएगा वो यहां भी आएगा, क्योंकि SI फिक्स्ड होता है। SI ऑफ फर्स्ट ईयर एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज ऑल्सो सेम, ये भी बात सही है। जो पहले कमाए थे वो वापस कमाएंगे, ये भी सही है। अभी हमको क्या देखना है, खाली इसका 2%, क्या देखना है इसका 2%, यही तो, ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो 96 × 2 कितना होता है 192, कोई दिक्कत? और बेटा याद करो, मैंने अभी बताया था कि हमेशा जो डिफरेंस बिटवीन SI और CI होता है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। अगर 2 साल का है तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता था क्या, 480,000 का 2%, पक्का बात। तो ये क्या निकला, 2% मतलब इंटरेस्ट, पक्का है ना? ये आया मेरा इंटरेस्ट,
अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि डिफरेंस इज नथिंग बट इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, ये आया इंटरेस्ट, ये आया इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। सॉल्व करो ना, 2 0 2 0 2 0 2 0, 48 into 4 गिव्स मी व्हाट, 192। कितना आसानी से सम सम कर सकते, वरना आप क्या करते, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते, 2/100 power 2 मारते। मैंने तो कुछ नहीं सिखाया फॉर्मूला का, मैंने तो बस आपके बेस को स्ट्रॉन्ग किया। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपको 3 साल भी दे तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इट इज बेटर टू सॉल्व, बट जनरली क्वेश्चन ये 2 साल पे देते हैं क्योंकि वो आसान रहता है सॉल्व करने। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू बैंक्स ऑन 500 फॉर 2 ईयर इज 2 rupees 50 paise। वट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स, रेट्स में डिफरेंस पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे तो दोनों बैंक से सिंपल इंटरेस्ट ही मिल, यस और नो? अब तुम इस क्वेश्चन को एक बार दिमाग से हटा दो, ठीक, और मैं जो तुमको बोलता हूं वो समझो। मान लो 1000 रुपया है प्रिंसिपल, ठीक है भाई, एक बैंक आपको 10% का ब्याज देता है, एक बैंक आपको 11% का ब्याज देता है। तो एक बैंक से आप 100 कमाओगे और दूसरे बैंक से 110 कमाओगे, कितने साल में? तो मैं ये कह सकता हूं कि एक साल में मेरा 10 रुपया ज्यादा आ रहा है, या मैं कहूं कि एक्सेस अर्निंग है, आप ऐसे बोलो, या बोलो कि डिफरेंस इन अर्निंग है, पक्का ना, या डिफरेंस इन इंटरेस्ट है, जो भी मतलब सेम है ना। तो अब आप एक बात बताओ, मैं ये 2 बार करूं उससे अच्छा मैं अगर डिफरेंस इन रेट चेक करूं तो 10 का कितना बना, 11, यानी 1%। यस और क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 1000 रुपया एक्सेस आप कितना का इंटरेस्ट दे रहे हो, 1%, यानी सीधा सा बनिया वाला बात है, 10 रुपया ज्यादा मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और अगर हम ये बोले कि हमको ये नहीं पता, हमको ये नहीं पता, तो ये भी कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 10 रुपया आप किस पे कमाए, ये 1000 पे कमाए, तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, 10/1000 into 100। यस और नो? भैया किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना है तो रेट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100, क्योंकि 1 साल का है, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, अपने आप आ गया 1%। यस और नो? तो अगर आपके पास रेट नहीं है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, तो आप रेट भी निकाल सकते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, ये 10 रुपया आप कितने साल में कमाए, 1 साल में कमाए। अगर मैं कहूं कि 5 साल में आप 10 रुपया कमाए, मान लो मैंने ये कहा कि आप 5 साल में 10 रुपया कमाए, यानी मैं कह दूं कि 5 साल में आप 1% कमाए हो, आप ऐसे सोच सकते हो, या आप ऐसे सोचो सर 5 साल में 10 रुपया, 1 साल में 2 रुपया, हाँ या ना? तो 2 रुपया के ऊपर निकाल लो ना भाई, 2 रुपया डिवाइडेड बाई 1000 into 100, तो भी आंसर आएगा। नहीं होगा तो जैसा आपने निकाला था इसी 1% को 5 से डिवाइड कर दो, 0.2%, तो भी सही है। अरे भाई एक बात बताओ, अगर एक बैंक तुमको 1 साल में 10% दे रहा है, तो बेसिकली अगर हम उसके पास 5 साल पैसा छोड़ दे सिंपल इंटरेस्ट पे, तो पहला साल 10 देगा, दूसरा साल 10 देगा, तीसरा साल 10 देगा, चौथा साल 10 देगा, पांचवा साल 10 देगा, 5 साल में जोड़ के 50% दिया कि नहीं दिया। तो अगर मैं ये कहूं कि 5 साल का 50% है, तो 1 साल का 10% हुआ। सेम वे अगर 5 साल में आप 1% कमाए हो, तो 1 साल में कितना परसेंट कमाए हो, 0.2%। क्या इस बात से आप अग्री करते हो? आइए अभी क्या बोला, आप प्रिंसिपल कितना लगाए, 500, आपको डिफरेंस कितना हुआ, 250, और जो ये डिफरेंस है यही अर्निंग है, यानी ये 250 रुपया कितना परसेंट, यही तो पता करना मेरे भाई। तो हमें दिखा
0.5%। क्या इस बात से आप सहमत हो? सॉल्व करोगे तो 0.5% नहीं क्या? तो व्हाट इज योर आंसर? इज योर आंसर 0.5%? नहीं मेरे भाई, नहीं। यहां एक प्रॉब्लम है, ये 2 साल का दिया। ओ सर, इसका मतलब 2 साल में मैं 0.5% कमाया हूं 2 ईयर्स में, तो 1 ईयर में क्या होगा? सर 1 ईयर में तो आधा हो जाएगा, 0.25%। दिस इज माय आंसर। अगर आप ऐसे नहीं जाकर देखो, किसी को तो आधा करना पड़ेगा, या तो रेट को करो या तो ब्याज को करो। तो मैं ये कहूं कि 2 साल में मैंने 2.5 रुपया कमाया, तो 1 साल में मैं 1.25 रुपया एक्सेस कमा रहा हूं, और ये 1.25 रुपया मैं किस पे कमा रहा हूं? 500 पे। तो परसेंट क्या होगा? 1.25 रुपया डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, डेसिमल हटाएंगे तो 2200, 100 कट गया, 5 से गया 100 बार, 5 से गया 25 बार, तो 100 25 बाई 100 कितना हो गया? 0.25%। तो दोनों तरीके से आंसर है और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसके लिए आप निश्चित रहिए कि हम रेट को आधा करें या इंटरेस्ट को आधा करें, करना तो पड़ेगा, क्योंकि 2 साल, 3 साल रहता तो डिवाइड बाई 3 होता, 4 साल रहता तो डिवाइड बाई 4 होता। तो देखो क्या तरीका मैंने आपको सिखाया, वरना अगर आप कंसेप्ट वाइज जाते तो आप ऐसे पढ़ते, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट बैंक बी R1 एंड फ्रॉम द सेकेंड बैंक बी R2 एंड देन यू विल पुट द इक्वेशन दैट 500 इंटू R1 इंटू 2 ईयर्स माइनस 500 इंटू R2 इंटू 2 ईयर इज इक्वल टू 2.50, और उस बेसिस पे आपका R1 माइनस R2 आ जाता, दैट इज 0.25। बट हम कोई फॉर्मूला तो नहीं पढ़े, हम तो वर्बल कैलकुलेशन सीख रहे। बात मेरी समझ में आ रही है क्या? ये जो है इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है। अब आप मेरे को यहां पर देखेंगे, इन हाउ मेनी ईयर्स द सम विल बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखो, एक प्रिंसिपल कितना गुना बनाएगा? 4 गुना बनाएगा, पक्का है ना? एक प्रिंसिपल कितना गुना बनाएगा? 4 गुना। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज माई प्रिंसिपल एंड दिस इज माई अमाउंट। तो मेरा इंटरेस्ट मैं कितना कमाया? 3p, पक्का बात। तो फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधी, टाइम इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई P इंटू R। SI कितना है? 3p इंटू 100, P इज P और R इज 12। सॉरी, परसेंट नहीं होगा, ईयर होगा। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा, जो चीज आप बचपन में बहुत स्ट्रांगली पढ़ के आए थे उसके लिए नया मैं एडिशनल कुछ नहीं करने वाला, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। ज्यादा दिमाग लगाओगे प्रॉब्लम में फंस जाओगे, पक्का है ना? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी देखो टाइम दिया हुआ, पीएम को पता है, अमाउंट पता है 2p, निकल जाएगा। सॉल्व करो, इंटरेस्ट निकालो, पी सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यस और नो? आंसर विल बी 81/3%। चेक कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, पॉज करके वीडियो को जरूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन को देखिए, अ मैन इन्वेस्ट 3000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, 3000 रुपया उसने 5% ब्याज पे पैसा लगाया, वो कुछ और पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है जहां पर 8% का ब्याज मिले। मतलब आप समझना, एक सम ऑफ मनी उसने 5% पे लगाया, सम पट सम ऑफ मनी,
दूसरा सम ऑफ मनी वो 8% के ब्याज पे कमाएगा, कमाना चाहता है या लगाना चाहता है। अब आपको पता है कि कुछ पैसे अगर आप 5 पे लगाए हो, कुछ पैसे आप 8 पे लगाए हो, तो टोटल में आपको 5 और 8 के बीच में कुछ एवरेज आता है। कुछ याद आ रहा है? और ये बोल रहा है कि टोटल में आप 6% ही कमाओगे, तो ये बात तो बट ऑब्वियस है। मिनिमम अगर 5 है, मैक्सिमम अगर 8 है, तो आई विल रेंज बिटवीन 5 एंड 8। और ये जो कंसेप्ट है देखकर क्या दिमाग में आया, अगर आपके भी दिमाग में वो क्लिक किया, इसका मतलब आप भी सोचना सीख गए हो। यस, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन। 5, 6, 8 कितना आया? 1 कितना आया? 2 कोई दिक्कत? अभी 5% पे 5 यानी 2:2, 3,000 रुपया यहां है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 is equals to 3,000, 2 is equals to 3,000, तो 1 is equals to 1,500। भाई मुझवानी सम्स हो सकता है, मतलब विद इन अ सेकेंड आप सम्स सॉल्व करो, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाना है इस तरीके के सम्स। इफ आई हैव टू ग्रुप्स, मैंने आपको बार बार एलिगेशन में पढ़ाया था, मैंने सेपरेट किया था उसको। इफ यू हैव टू ग्रुप्स एंड ऑब्वियसली द कंबाइंड वैल्यू विल बी बिटवीन दिस टू ग्रुप्स। तो मैंने पढ़ाया था कि जो जिसके नीचे वो उसका, यानी 5:8, 5% एंड 8% का जो रेशियो है वो 2:1 है। 5% पे अगर आप 3,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 2 है 3,000, तो 1 कितना होगा? 1,500। आंसर आ गया, कुछ नहीं था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए आइए समझते हैं। टू इक्वल सम ऑफ मनी वेर लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 4 year and 5 year respectively. If the difference in interest for two periods was 220, then each sum is. बताओ, एक बात बताओ, फिर आता हूं आपके पास सेम चीज पे। एक क्वेश्चन कंसेप्ट लाऊंगा, फिर सम्स को बताऊंगा। मान लो तुम्हारे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, ठीक है, रेट है तुम्हारा 10%, कोई दिक्कत। और अगर एक बार तुम 4 साल के लिए पैसा लगाते हो तो तुमको मिलता 4,000, और अगर 5 साल के लिए डालोगे तो आपको मिलेगा 5,000, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में जो डिफरेंस है 1,000 रुपये का, ये 1,000 क्या है? 1 साल में इन 1 year इंटरेस्ट अर्न, यही तो लॉजिक है। 1 साल में आपने जो इंटरेस्ट कमाया, और आप सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट किस पे कमाते हो? प्रिंसिपल पे। यानी 10,000 का 10% भी 1,000 होता है फॉर 1 year। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे पता है 1 साल का 1,000 रुपया होगा, तो 4 साल से 5 साल होने में 1,000 का डिफरेंस होगा, ये बात भी समझ में आ गया। तो अगर आपको डिफरेंस बता दे, रेट बता दे, तो क्या प्रिंसिपल निकाल लोगे? यस सर, अभी आपने सिखाया कि P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, सो P इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय रेट इंटू टाइम। और टाइम तो यहां पर 1 साल ही होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल भी हो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पक्का है ना? अभी रेट में परसेंट रहता है हटाने के लिए, इंटू 100, तो यही तो फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं। आइए, तो दो इक्वल सम है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डिफरेंस कितना कमाया आपने? 220, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 220 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है? नहीं पता। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? सच डिफरेंस क्या है? 1 साल का, तो टाइम भी होगा 1 साल। लॉजिक समझना, 1 साल में आपने 220 कमाया, 1 साल में, समझो ना भाई, 10% के ब्याज पे आप 220 रुपया 1 साल में कमाए। 10% अगर 220 रुपया है, तो 100% कितना रुपया होगा? 2,200 रुपया होगा क्या? सीधा है रे भाई। आप ऐसे भी जा सकते थे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम, वेर एस आई मतलब द इंटरेस्ट ऑन द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, रेट इज 10%,
और ये डिफरेंस कितने साल में हुआ, ये 220 रुपया एक साल में हुआ, तो टाइम भी एक साल। अगर ये 220 दो साल में हुआ रहता तो टाइम होता दो साल। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? तो सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल आ गया 2200 रुपया। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे भाई, चीजें समझना है बस। अभी इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है। एक इंसान ने बैंक से लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज रेट पे एट 7% इन द फर्स्ट ईयर विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5% इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर। ही पेस 3690 एज इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर। तो पहला साल उसको 7% पड़ा, दूसरे साल उसको 7.5% पड़ा, तीसरे साल उसको 8% पड़ा, चौथे साल उसको 8.5% पड़ा और पांचवे साल उसको 9% पड़ा। यही तो हुआ। अच्छा आप एक बात बताओ, याद है मैं अभी एक लाइन बता रहा कि अगर एक बैंक आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज दे रहा है तो एक साल में 10, तो दो साल में दूसरे साल फिर आपको 10 मिलेगा, यानी दो साल में आप 10+10 20% करोगे, तीन साल में 10 10 10, ये लॉजिक पता है थे? तो पांच साल के डिफरेंट रेट में आप ये कमाए तो टोटल इंटरेस्ट कितना कमाए? 7+7.5+8 8.5+9, पक्का है ना? आंसर कितना होगा? 40। अब आप बोलोगे सर आप हम लोग से मजाक कर रहे, इतना जल्दी कैसे जोड़ दिए? मैं जोड़ के दिखाऊंगा, चेक कर लो। 7 7 14 14 और 8 22 22 और 8 30 30 और 9 39 0.5 0.5 40, पक्का ना? अरे भाई ये सीरीज को देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है कि नहीं? और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एवरेज होता है वो बीच में होता है। एवरेज कितना है? 8% का। एवरेज कितना है? 8% का। टाइम कितना? पांच साल, मतलब पांच साल में हुआ। सम कितना हो गया? 40% हुआ ना। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई नंबर, वेयर नंबर इज 5। अच्छा तो ये जो 40% आप ब्याज कमाए हो दैट इज इक्वल टू 3690, यस और नो? तो 1% इज इक्वल टू 3690 बाई 40। आपसे क्या पूछा है? लोन कितना? लोन हमेशा 100% होता है। 100% 3690 बाई 40 इंटू 100, तो जीरो से गया जीरो, जीरो से गया 25, कर लो आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, आ ही जाएगा। आंसर इसका मतलब आप मल्टीप्लीकेशन में आएगा 9225। कोई दिक्कत? चीजें समझ में आ रही है? आप चीजों को समझो। तो ये 3690 क्या है? पूरे पांच साल में कमाया गया ब्याज, पक्का ना? ठीक है। अब आप पूछ सकते हो सर क्या हम एक साल पे खेल सकते थे? खेल ही सकते थे। तो एवरेज आपका कितना होता? 8। तो लेकिन इसको भी डिवाइड करना पड़ता 5 से, तो इसीलिए मैं मतलब वही है भाई। ओके, ये एक लास्ट टाइप का सम्स है। और इसको समझने से पहले मैं आपको एक लॉजिक समझ, मान लो एक ट्रिक पे खेलेंगे। क्वेश्चन है A sum of money gets doubled in 8 years. At compound interest. In how many years will this amount become 8 times? ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ये सीखेंगे तो ये भी सीख पाएंगे, दोनों सीख पाएंगे, उसी कंसेप्ट में रहेगा कि डबल चौगुना जो भी पूछे। तो क्या एसआई में डबल और सिंपल 4 times में प्रॉब्लम नहीं होता, बड़ा सिंपल होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का कहानी थोड़ा बदल जाता, फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाएगा। तो ट्रिक समझना, सॉल्यूशन को देखो क्या सिखा रहा हूं।
सॉल्यूशन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा बेटा, 8 साल में आपका कितना हुआ, डबल यानी 2 टाइम्स हुआ। कितने साल में ये 8 गुना होगा, यही तो क्वेश्चन है। हाँ या ना, पक्का बात, वेरी सिंपल। ये 8 टाइम्स जो हुआ है वो 2 के कनेक्शन में चेक करो तो ये दिखा 2 पावर 3 होता है, ये हमेशा कोई कनेक्शन बनेगा। 4 टाइम्स है तो 2 पावर 2 हो गया, समझ में आ गया। 8 टाइम्स है तो 2 पावर जो भी 2 पावर 3 हो गया, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा, कोई दिक्कत। ओके, अब आपको करना कुछ नहीं है, इस पर्टिकुलर टाइम को इस पर्टिकुलर पावर से मल्टीप्लाई करना है। 8 टाइम 8 ईयर को पर्टिकुलर पावर से, यानी 24 ईयर आंसर आ गया। सो दिस इज अ जादू रिक्वायर्ड टाइम, 8 साल पावर में 3। कंसेप्ट क्लियर है, पक्का था। अब हम इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, बात समझ में आ रहा ना। ये 8 नहीं है मेरे भाई, ये कौन सा 8 है, ये वाला 8 है। ये कौन सा 3 है, ये पावर वाला 3 है, पक्का है ना। जी सर, आइए अब हम इसी लॉजिक से इस सम्स को भी समझेंगे। सम ऑफ 2400, सम से हमको कोई मतलब नहीं है, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल 5 साल में डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब आपसे पूछता है कि 20 साल में ये कितना गुना होगा, ये पूछ रहा है, पक्का ना। अच्छा बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा था कि रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू प्रीवियस ईयर टाइम इनटू एन, पक्का याद आ रहा कुछ। जी सर, रिक्वायर्ड टाइम इस क्वेश्चन में दिया हुआ 20, प्रीवियस ईयर टाइम है 5 साल, तो एन क्या होगा, एन होगा 4। अब आप इस बात से अग्री करते हो क्या, एन क्या होगा 4, ये समझ में आ रहा है ना। प्रीवियस ईयर के टाइम को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला 24 ईयर का वैल्यू आता है। तो अगर ये दिया हुआ है, ये है तो ये निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यानी ये समझ में आ गया कि 2 पावर n जो होता है, यहां पे हमने बताया था ना 2 पावर n होगा क्योंकि 2 के कनेक्शन में ही होगा, n का वैल्यू निकल गया 4, दैट इज 2 पावर 4, 16 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स होगा, 16 टाइम्स। अभी प्रिंसिपल है तुम्हारा 2416 गुना बना दो, यानी इनटू 16 कर दो, तो 16 0 = 0 16 0 = 0, 16 4 = 64 6 16 2 = 32 + 6 = 38, आंसर आ गया। कंसेप्ट को समझो, एक सम्स जहां पर आपको टाइम निकालना था, एक सम्स जहां पर कितना गुना होगा वो निकालना था, एक ही फॉर्मूला से दोनों का इस्तेमाल हम कर लिए, क्लियर है। सो आई गेस दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करिए। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर रिप्लाई करें, थैंक यू सो मच।